आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गेहूं से है। तो जून में समाप्त होने वाले फसल सत्र 2021-22 में भारत का गेहूं उत्पादन करीब 1,064 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं ये पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 38 लाख टन कम है और ये बता दें 1,113.2 लाख टन उत्पादन के पहले अनुमान की तुलना में 4.39% कम है। वहीं गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में गर्म हवाओं से फसल प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन कम रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं खाद्यान्न उत्पादन को लेकर आज जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल मिलाकर अनाज उत्पादन 3,145.1 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं जो पिछले साल हुए 3,107.4 लाख टन उत्पादन की तुलना में ज़्यादा है। वहीं अन्य फसलों में चने का उत्पादन 139.8 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले साल हुए 119.1 लाख टन उत्पादन की तुलना में अधिक है। वहीं सरसों का उत्पादन 117.4 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल 102.1 लाख टन उत्पादन चने का हुआ था। वहीं हाल के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि केंद्र सरकार की गेहूं खरीद 18 मई तक करीब 181 लाख टन रही है। इसका मतलब है कि सरकार ने जब से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, वह 11,06,337 टन गेहूं किसानों से खरीदने में सफल रही है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं के दाम पूरे देश में करीब 80 से 100 रुपये प्रति क्विंटल कम हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमत इस सीजन में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे 2015 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।